हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम सितारा खातून जी की एक वीडियो रिक्वेस्ट की है। उन्होंने मुझसे एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था, क्वीन ऑफ कात्वे। अब ये क्वीन ऑफ कात्वे कौन है फ्रेंड्स? फियोना मुदेसी, युगांडन चेस प्लेयर हैं। युगांडा के कंपाला में कात्वे नाम का एक बहुत बड़ा स्लम है, ये वहाँ की रहने वाली हैं। और इनके जीवन के ऊपर क्वीन ऑफ कात्वे नाम से एक फिल्म भी बनी है, और ये फिल्म बनाने वाली नन अदर देन भारतीय ही है, मीरा नायर। काफ़ी अच्छी फिल्म है, अगर आपको मौका लगे तो। चेस के ऊपर कुछ अच्छी मूवीज़ में से एक है। ये स्लम्बे रहने वाली थी, तो इनके कोच बच्चों को चेस सिखाते थे और उसके बदले में उन्हें खाना देते थे। तो फियोना मुत्तैसी का भी जीवन कुछ इसी तरह से चेस के साथ शुरू हुआ। खाने के लिए वे चेस खेलने जाती थी, और वहाँ चेस सीखते सीखते वे युगांडा की वुमेन्स जूनियर चैंपियनशिप को 3 बार जीत चुकी हैं, और युगांडा को चेस ओलंपियाड में 4 बार रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। फर्स्ट टाइटल फीमेल प्लेयर हैं युगांडा चेस हिस्ट्री की। फ्रेंड्स, मूवी भी काफ़ी अच्छी हैं, और फियोना मुत्तैसी की जिंदगी भी बहुत संघर्षपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम चेस ओलंपियाड की है, जो अजरबैजान बाकू में हुआ था, जहाँ फियोना मुत्तैसी ने ट्यूनिशिया की खिलाड़ी अमीन मिलादी के साथ खेला था। और उस समय इन दोनों खिलाड़ियों की रेटिंग थी, मुतैसी की रेटिंग थी 1622 और अमीन मिलादी की रेटिंग थी 1491। वैसे अमीन मिलादी फिलहाल 1700 प्लस रेटिंग वाली खिलाड़ी हैं। तो फ्रेंड्स, आइए इस गेम को शुरू करते हैं। यहाँ गेम की शुरुआत की फियोना मुतैसी ने e4 के साथ, तो c5 सिसिलियन डिफेंस यहाँ मिलादी ने किया। f4 देन e6, d4 d5, नाइट c3 स्क्वायर पर, देन नाइट f6, नाइट f3, तो नाइट c6, बिशप d2, देन a6। वैसे मेरे ख्याल से ब्लैक अगर यहाँ अपने इस डी पॉन को आगे पुश कर देगा तो ये नाइट कहाँ जाएगा। इस नाइट के लिए जितने भी स्क्वायर्स हैं वो गेम को, वाइट की गेम को प्रॉब्लम में ही डालते। लेकिन वाइट को यहाँ मौका मिला e5 करने का, नाइट पर अटैक बना, तो नाइट d7 स्क्वायर पर गया, देन बिशप e2, और इस बिशप d2 के बाद बिशप e7, और दोनों साइड से आप कहीं जाकर यहाँ कैसल किया, रुक b1 देन b5, और मिलादी ने अपने पॉन्स को काफी स्ट्रांगली आगे पुश करना शुरू कर दिया है। a3 देन क्वीन b6, और माइट भी पॉसिबिलिटी बन सकती है किसी ना किसी तरह के डिस्कवर्ड चेक की, तो किंग h1 यहाँ पहले मुत्तैसी ने किया। और जिस तरह की गेम बन चुकी है, मेरे ख्याल से ब्लैक के लिए बेस्ट ऑप्शन तो ने बिशप को बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर था, ये b7 स्क्वायर। देन a5, यहाँ ब्लैक ने किया, क्वीन गई e1 स्क्वायर पर, b4 नाइट पर अटैक बना है, तो a takes b4। वैसे फ्रेंड्स, अगर यहाँ पॉन एक्सचेंज ना करके अगर व्हाइट अपने नाइट को a4 स्क्वायर पर ले जाकर क्वीन पर अटैक बनाए, उसके बाद इस बी पॉन से डिफेंड कर ले अपने नाइट को, मैं ठीक है, लेकिन कॉर्नर के नाइट मुझे खुद ही अच्छे नहीं लगते। a takes b4 यहाँ फियोना ने किया, a takes b4 दोबारा नाइट पर अटैक बना, तो नाइट गया d1 स्क्वायर पर, बहुत बुरा स्क्वायर है इस नाइट के लिए। बिशप a6, और बिशप a6 से वैसे b7 स्क्वायर पर ही बहुत अच्छा होता, उसके बाद ये पॉन्स आगे पुश होते एक एक कर, और इस बिशप के लिए सारी ट्रेजेक्टरी खुल जाती। नाइट f2 यहाँ पहले मुत्तैसी ने किया, बिशप b5 द नाइट g4 स्क्वायर पर, h5 नाइट पर अटैक है, तो नाइट को वापस लेना पड़ा f2 स्क्वायर पर। काफ़ी टीजिंग मूव है मेरे ख्याल से, पता नहीं फियोना की ये प्लानिंग थी या ऑल ऑफ अ सडन ऐसा सब कुछ होता चला गया। रुक a2, a2 के बाद ये b2 पॉन पर प्रेशर तो बनाए, ये रुक कम से कम इस a2 स्क्वायर पर सूट नहीं करता है। नाइट h3, और इस नाइट के h3 स्क्वायर पर जाने के बाद यहाँ ये g5 स्क्वायर परफेक्ट है। c4, और अगर मान लो वाइट यहाँ पॉन एक्सचेंज करे, ये जो ब्रेक थ्रू हुआ है यहाँ पॉन्स का, अगर वाइट ने पॉन एक्सचेंज की है d takes c4, तो d takes c4 के बाद ब्लैक को ये दो एडवांस पॉन्स का बहुत फायदा मिलने वाला है। खैर, यहाँ फियोना ने नाइट को g5 स्क्वायर पर प्लेस किया और अपनी प्लानिंग के साथ काम किया, और मेरे ख्याल से तो एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर ये जी पॉन आगे पुश होकर यहाँ मामला ठीक हो सकता था। c takes d3 पहले मिलादी ने किया, चलिए c takes d3, देन अभी भी मेरे ख्याल से g3 की ऑप्शन थी, या फिर क्वीन को a6 स्क्वायर पर ले जाने से इस पॉन का डिफेंस कैसे होता है, क्वीन को g3 स्क्वायर पर ले जाना पड़ता इससे। तो पर ब्लैक ने यहाँ नाइट को d4 स्क्वायर पर प्लेस किया, प्रेशराइजिंग दिस बिशप। ठीक है, अपना
मेटेरियल भी काफी अग्रेसिव स्क्वायर पर लाकर प्लेस कर दिया। तो बिशप E3 नाइट पर अटैक है, नाइट पर अटैक क्या है, नाइट को पिन ही कर दिया है। तो बिशप C5 देन क्वीन H4 और फाइनली वही मूव चला गया है जो काफी देर से एक्सपेक्टेड था। और एज पर चेस इंजन अभी G6 मूव ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है ये पता लगेगा क्योंकि मेलादी ने यही किया था। यहाँ एज पर चेस इंजन नाइट को F5 स्क्वायर पर ले जाना ठीक था क्योंकि क्वीन टेक्स H5 होने के बाद नाइट H6 होता है, मींस अटैक हो रहा है तो अपने खिलाड़ी को डिफेंड पर भी लाना चाहिए। पर मिलादी ने जब यहाँ G6 किया तो बिशप टेक्स D4 पहले यहाँ इस नाइट को एलिमिनेट किया। और अब ब्लैक को किस तरह से बड़े संभल कर मेटल एक्सचेंज करना चाहिए था, बिशप टेक्स D3 एक ऑप्शन थी। अगर यहाँ ये मेटल एक्सचेंज होता है तो क्या होगा, बिशप टेक्स C5 होगा, नाइट टेक्स C5, बिशप टेक्स D3, नाइट टेक्स D3, नाइट टेक्स F7। चलिए वही देखते हैं जो इस गेम में हुआ था। कुछ फोर्सफुल सीक्वेंसेस यहाँ बनते। बिशप टेक्स D4 पहले यहाँ ब्लैक ने किया, तो बिशप टेक्स H5 और फियोना का यहाँ गेम शुरू हो चुका है। और जी टेक्स H5 इम्पॉसिबल है क्योंकि क्वीन टेक्स H5 होगा, चेकमेट की थ्रेट होगी। और इस चेकमेट की थ्रेट से किस तरह से बचा जा सकता है, बशर्ते हाँ ये बिशप फॉर्चुनेटली ये बिल्कुल सही स्क्वायर पर प्लेस्ड है। बिशप टेक्स D3 होगा ही होगा, दोनों रुक्स पर अटैक भी होगा और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि चेकमेट से डिफेंस भी हो जाएगा, लेकिन F5 होगा पहले और इस बिशप की सप्लाई लाइन को ही क्लोज कर दिया जाएगा। बिशप टेक्स F5 होने के बाद रुक टेक्स F5 और फिर वही दोबारा चेकमेट की थ्रेट होगी। और ब्लैक को अगर चेकमेट बचनी है तो नाइट F6 जैसा घटिया मूव चलना होगा, रुक टेक्स F6 होगा तो अपने किंग के जाने के लिए एक जगह बनानी होगी, रुक एट एफ गोज टू A8, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। किंग क्वीन H7 चेक, किंग F8, क्वीन टेक्स F7 चेक और यहाँ मेट होगी। तो परफेक्ट बिशप सेक्रीफाइस था, किंग गया G7 स्क्वायर पर। और ब्लैक वैसे चाहे तो बिशप टेक्स G6 की ऑप्शन 100% कन्फर्म थी, वो की जा सकती थी। और अगर यहाँ से भी ये गेम आगे बढ़े तो ब्लैक क्या करेगा, ब्लैक रुक को H8 स्क्वायर पर लेकर भी गया तो उसके बाद बिशप H5, वापस बिशप बीच में आ जाएगा, एक पॉन और मिल जाता। बिशप टेक्स G3 होता भी, चलिए रुक पर दोनों रुक्स पर अटैक होता तो उसके बाद नाइट टेक्स F7, यहाँ वाइट भी ब्लैक के रुक पर अटैक बना लेता। बिशप टेक्स B1 देन क्वीन G5 चेक, किंग F8 स्क्वायर पर नाइट टेक्स H8। वेल बहुत कुछ हो सकता था पर यहाँ फियोना ने क्वीन को G3 स्क्वायर पर प्लेस किया, बेटर था। उनकी प्लानिंग है कि यहाँ अगर ब्लैक किस पॉन से बिशप को लेगा तो डिस्कवर्ड चेक के बाद वो यहाँ सीधा चेकमेट करेंगी। तो रुक H8 पहले यहाँ ब्लैक ने किया, बिशप E2 देन बिशप टेक्स B2 और B2 पॉन एलिमिनेट हो चुका है, क्वीन गई G4 स्क्वायर पर। G4 स्क्वायर पर ये क्वीन क्या करने गई है, यहाँ बिशप पर डिफेंस करने के लिए, तो क्वीन A6 प्रेशराइजिंग दिस D3 पॉन। वैसे F5 की ऑप्शन तो अभी भी अवेलेबल है पर यहाँ फियोना ने अपने रुक को F1 स्क्वायर पर प्लेस किया, आपने इस D3 पॉन पर डिफेंस करना ज्यादा ठीक समझा। देन नाइट C5 प्रेशराइजिंग दिस D3 पॉन, देन क्वीन गई F3 स्क्वायर पर। और गेम का फोकस ऑल ऑफ अ सडन, फियोना काफी अटैकिंग मोड पर थी, ऑल ऑफ अ सडन इस पॉन के लिए काफी डिफेंसिव हो चुकी हैं। तो बिशप C3 नाइट G1 देन मेरे ख्याल से तो ये डी पॉन आगे पुश हो जाता तो ब्लैक की काफी सॉलिड पोजीशन होती, पर यहाँ ब्लैक ने पहले अपने रुक को A8 स्क्वायर पर प्लेस किया, क्वीन H3 और दोबारा ब्लैक के रुक को वापस H8 स्क्वायर पर फोर्सफुली मूव करवाया। देन क्वीन E3 नाइट पर अटैक है तो D4 फाइनली वही मूव चला गया जो मैं अभी थोड़ी देर पहले एक्सपेक्ट कर रहा था, क्वीन गई G4 स्क्वायर पर, बिशप A4 और यहाँ फाइनली ये डेंजरस अटैक, प्रेशर में वाइट के पीसेस बहुत ज्यादा है तो रुक गया F1 स्क्वायर पर। और शायद ये ब्लैक का किंग सही स्क्वायर पर नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ब्लैक को यहाँ अपने किंग को शायद क्वीन के सामने से हटा लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने यहाँ पहले किया मिलादी ने बिशप C2 रुक पर अटैक बनाया, लेकिन F5। और फ्रेंड्स यहाँ F5 होने के बाद ब्लैक अब यहाँ क्या करेगा, E टेक्स F6 F5 सॉरी नहीं कर सकता, अदरवाइज रुक टेक्स F5 होगा। G टेक्स F5 होने के बाद नाइट E6 चेक होगा और चेक क्या चेकमेट होगी, किंग H6 स्क्वायर पर मूव कर भी दे तो क्वीन G5 चेक, किंग H7, क्वीन G7 चेक और मेट। F5 मूव काफी देर से एक्सपेक्टेड था, लेकिन यहाँ मिलादी ने अपने बिशप से रुक को लिया, बिशप टेक्स B1, F टेक्स E6, दैट्स इट।
और अब ब्लैक यहाँ क्या करे, इस e6 पॉन को किस तरह से ले। अगर ये पॉन मान लो नाइट से भी लिया गया तो उसके बाद रुक से पहले यहाँ पॉन लिया जाएगा। नाइट टेक्स e6 यहाँ पहले मिला दी ने किया, रुक टेक्स f7 चेक, वही सारे मूव जो मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था। चेक है तो किंग f8 स्क्वायर पर देन रुक f6, और यहाँ ये नाइट ही पिन हो चुका है, तो क्या बिशप को वापस नहीं आ, नहीं वापस सॉरी पॉन है बीच में अभी, तो ब्लैक के पास क्या ऑप्शन बचती है। मेरे ख्याल से तो कुछ खास नहीं है, क्योंकि ये नाइट जरूर हटेगा और उसके बाद क्वीन यहाँ इस पॉन को लेकर चेकमेट करेगी। चलिए एक ऑप्शन मैं कंसिडर करता हूँ कि ठीक है, ब्लैक की क्वीन तो यहाँ खत्म हो चुकी है, नाइट टेक्स से g5 अगर मान लो यहाँ मिला दी करती भी है तो क्वीन टेक्स g5, और अगली चेकमेट किस तरह से बची जाएगी, कोई भी तरीका नहीं होगा। खैर फ्रेंड्स आइए वही देखते हैं जो गेम में हुआ था। यहाँ ब्लैक ने कहा था रुक टेक c2, बिशप को एलिमिनेट किया, लेकिन अपनी आने वाली चेकमेट नहीं नजर आई। तो फियोना मुत्तैसी को अपना लास्ट मूव खेलने का मौका मिला, वो था नाइट टेक c6, और यहाँ इस मूव के बाद अमीन मेलादी को रिजाइन करना ही पड़ा, क्योंकि ये चेकमेट किस तरह से बची जा सकती है। चलिए एक बार को अगर हम रुक को h6 स्क्वायर पर लेकर भी आए तो उसके बाद रुक f8 चेक होगा, किंग h7 स्क्वायर पर जाएगा, देन रुक f7 चेक होगा, किंग दोबारा g8 स्क्वायर पर गया भी तो रुक g7 चेक होगा, किंग के लिए बचेगा सिर्फ और सिर्फ h8 स्क्वायर, देन क्वीन f4 के बाद अब ये दो तरफ से आने वाली चेकमेट किस तरह से बची जाएगी, दोनों में से कोई भी एक चेकमेट तक पहुंचेगी पहुंचेगा। अगर ब्लैक ने यहाँ इस बिशप को अपने रुक की डिफेंस में लगाया तो क्वीन f8 स्क्वायर से जाके चेकमेट कर देगी। फ्रेंड्स टैलेंट हर जगह है, बस उसे मौका मिलना चाहिए। क्वीन ऑफ कातवे इस गेम को और फियोना म्यूटेसी को टाइटल ऐसे ही नहीं मिला। नेवर लूज, नेवर सरेंडर। और मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस ग्रुप को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।